डी स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास बच्चों, चैप्टर नंबर फोर्टीन हम डिस्कस कर रहे थे उसमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स के मतलब हमने कुछ डिस्कशन की थी इस चैप्टर का लास्ट पोर्शन जो है वो केमिस्ट्री ऑफ सम इम्पोर्टेंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं जो कि पेज नंबर सेवेंटी सिक्स से स्टार्ट होता है शुरू करते हैं बिफोर वी स्टार्ट हमें कुछ चीज़ें जो हैं वो पहले समझनी होंगी एक्सक्यूज uh, मी जैसे कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है वट आर ऑक्सीडेशन स्टेट्स हमने रिसेंटली क्लास में भी पढ़ा था दोबारा इसको देख लेते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो एक्चुअल चार्ज है ऑफ एन एटम, इफ़ इज अ मोनो अटामिक आइन आर द हाइपोथेटिकल चार्ज असाइन टू एन एटम बाई सर्टन रूल्स तो कुछ रूल्स के मुताबिक जो है वो इसे असाइन किया जाता है तो मेकिंग इट वेरी शॉर्ट एंड वेरी सिंपल इट इज़ दी अपेरेंट चार्ज किसी भी एटम एलिमेंट के एटम पर लिखा हुआ जाहिरी चार्ज इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, इसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट का नाम देते हैं अब इसके लिए कुछ रूल्स हैं कि एलिमेंट्स की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो जीरो होती है एटम्स ऑफ मोनो ऑटामिक आइन है जो किसी भी आइन के ऊपर लिखा हुआ चार्ज होता है वही उसका आइन होता है ऑक्सीजन की माइनस टू है हाइड्रोजन इज़ प्लस वन इन मोस्ट कम्पाउंड फ्लोरिन की माइनस वन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इन ऑल कम्पाउंड एंड द लास्ट इन दिक्स पॉइंट इज द सम ऑफ नंबर इन अ कम्पाउंड इज जीरो इन अ पोलियोटामिक आइन इज चार्ज ऑफ आइन जो भी उसके ऊपर लिखा हुआ चार्ज होगा ज़ाहरी तौर पर पॉजिटिव या नगेटिव उसे बच्चों हम कहेंगे जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल आ रही है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरिन इन पर क्लोरिक एसिड और पर क्लोरेट मी पर क्लोरिक एसिड और क्लोरेट आइन में अगर देखा जाए तो आप उसी तरीके से जैसे एच सी एल ओ फोर में प्लस वन हाइड्रोजन के लिए होगा प्लस एक्स फॉर क्लोरीन प्लस माइनस टू टाइम्स फोर फॉर ऑक्सीजन आप इस तरतीब से जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाती है सिमिलरली अब ये जो पर क्लोरेट आइन होगा इसमें आप कैसे कैलकुलेट करोगे इसमें एक्स फॉर क्लोरीन लिखोगे प्लस माइनस टू टाइम्स थ्री फार ऑक्सीजन होगा इक्वल्स टू माइनस वन तो इसके ऊपर माइनस वन चार्ज लिखा हुआ है तो ये चार्ज होगा वो इसके इक्वल होगा ये तो एक रिवीन होगी जो आपने क्लास नाइन्थ में के केमिस्ट्री के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में और फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है और उसके लिए रूल्स क्या होते हैं और कैसे कैलकुलेट करेंगे अब ये ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट होती है इसकी क्या सिग्निफिकेंस है देखिए ट्रांजिशन मेटल एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो हैं वो एक से ज़्यादा होती हैं वैरायटी होती है ऑक्सीडेशन स्टेट जब भी चेंज होती है तो एज़ फॉर ट्रांजिशन मेटल्स आर कंसर्न तो उनके कंपाउंड्स का कलर चेंज होता है तो इस एग्जाम्पल में आप यूँ समझ लीजिए कि ट्रांजिशन जो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट होती है तो ट्रांजिशन मेटल्स के लिए वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम कलर चेंज या कलर शिफ्ट को ऑब्जर्व कर सकते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या प्रोसेस होता है ऑक्सीडेशन कैन बी कंसिडर्ड एज एन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर रिडक्शन कैन बी कंसिडर्ड एज अ डिक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन नंबर इसके अलावा तीन डेफिनेशन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की और थी एक ट्रिक भी आपके साथ शेयर की थी कि आप दो वर्ड याद रखिएगा एक था ऑयल और दूसरा था रिग ऑयल ऑक्सीडेशन इज़ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन इज़ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है इंक्रीज होता है उसमें और जब रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट में कमी वाक्य होगी कंपाउंड्स विद मेटल्स इन अ हाई ऑक्सीडेशन स्टेट टेंड टू बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये हमने भी पढ़ा था कि जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ज़्यादा होगा उनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर भी उतनी ही ज़्यादा होती है तो दे कैन बी यूज एज गुड दे कैन बी यूज एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो इसकी जो बेस्ट एग्जाम्पल है दैट एग्जाम्पल इज के टू सी आर टू ओ सेवन इसमें जो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है प्लस सिक्स जो कि बहुत ज़्यादा हाई है तो ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होने की वजह से दिस कंपाउंड वुड बी बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अब इंट्रोडक्शन के बाद ये आ, हम हमारे कोर्स में जो चीज़ें शामिल है पेज 76 से ऑनवर्ड उसमें इन पांच एलिमेंट्स की ट्रांजिशन मेटल्स की केमिस्ट्री को डिस्कस किया गया है हमारा ये जो वीडियो लेक्चर है इसमें आज हम वेनेडियम और क्रोमियम के मुतालिक बातचीत करेंगे तो वनेडियम फर्स्ट वन वेनेडियम जो है इसे सिंबल वी से रिप्रेजेंट किया जाता है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में है अटामिक नंबर 23 होता है इट्स सिल्वरी माइट वाइट मेटल 1801 में मैक्सिको में ये डिस्कवर हुई थी एंड्रेस मैनुअल डेल रियो ने इसे फर्स्ट टाइम जो है वो डिस्कवर किया था लेकिन इट वाज कंफ्यूज्ड विद सम कंपाउंड्स ऑफ क्रोमियम क्रोमियम से क्रोमियम के कंपाउंड्स को कंसिडर किया गया था इसे इट वॉज मिसअरस्टोड एज क्रोमियम इट वॉज रीडिस्कवर्ड बाई स्वीडिश कैमिस्ट नील्स गैब्रियल सेफस्ट्राम ने इसे रीडिस्कवर किया था वेनेडियम को वेनेडिस गॉडेस ऑफ ब्यूटी एंड लव जो स्केंडिनेवियन मेथोलॉजी है उस निस्पत से नाम दिया गया था चूँकि ये एक सिल्वरी व्हाइट मेटल होती है एंड इट लुक्स ब्यूटीफुल, तो इसलिए इसे वेनेडियम का नाम दिया गया था सम मोर पॉइंट्स अबाउट इंट्रोडक्शन अगेन सिंबल मैंने यहां पर मैंशन कर दी अटामिक नंबर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं दिस इज द रिलेटिव अटामिक मैथ आप इसे अटामिक मास या अटामिक वेट इसका कंसिडर कीजिए मेल्टिंग पॉइंट इसका 1910 1910 डिग्री सेंटीग्रेड होता है बॉयलिंग पॉइंट भी यहाँ पर मेंशन किया गया है रूम टेम्परेचर पर ये सॉलिड स्टेट में होती है इट्स अ हार्ड मेलियेबल एंड डक मेटल हमने मेलिएबल और डक के हवाले से रिसेंटली पढ़ा था कि जिनकी शीट्स थिंक दैट कैन बी ड्रॉन इन टू शीट्स और वायर्स के हवाले से बातचीत हुई थी बच्चों रिसेंट जो फेस टू फेस सेशन हमारा प्रीवियस हुआ था उसमें इसका जो कलर होता है सिल्वरी ग्रे या सिल्वरी वाइट होता है क्रोइन रेजिस्टेंस बहुत हाई होती है तो इस इस क्वालिटी की बेस पे, इस प्रॉपर्टी की बेस पे से बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है इसके जितने भी कंपाउंड्स हैं दे आर टॉक्सिक इन नेचर जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वेनेडियम की वो प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर एंड प्लस फाइव हैं अब इनके डिफरेंट कलर्स भी यहाँ पर मैंशन किए गए प्लस टू वायलट प्लस थ्री ग्रीन प्लस फोर ब्लू कलर होता है और प्लस फाइव येलो कलर के कंपाउंड्स होते हैं कुछ आइसोटोप्स का भी यहाँ पर हवाला मैंने दिया है कि इसके कौन कौन से आइसोटोप्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं यूजेज ऑफ वेनेडियम विनेडियम को फैरो वेनेडियम एक लाए बनाया जाता है जो कि आयरन और विनीडियम का होता है यूज़ फॉर एप्लीकेशन एक्सल्स बाइसिकल फ्रेम्स क्रैंक शैप्स गेयर्स एक्सेट्रा में से इस्तेमाल किया जाता है इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होने की वजह से Uh, it is used in cladding titanium to steel. Cladding ka hota hai covering system is covering It is used for producing inner structure of a fusion reactor. Vanadium dioxide is used in the production of glass coatings which blocks infrared radiations. Vanadium gallium tape is used in superconducting magnets. Vanadium pentoxide is used in ceramics and as a catalyst. And the last one improved glucose control in people with type 2 diabetes. जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके उनकी मेडिसिन में भी ग्लूकोज कंट्रोल करने के लिए ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए भी यूज़ किया जाता है अब ये जितने भी यूज़ हैं उनको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया गया दिस इज़ वनेडियम अलाय जो इस्तेमाल किया जाता है अभी जिसका जिक्र आया था कि बाईसाइकिल की फ्रेम्स बनाने के लिए गियर्स बनाने के लिए क्रैंक शेफ्स बनाने के लिए एक्सल्स बनाने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है ड्यू टू इट्स हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ ये कुछ और यूजेज़ हैं यहाँ पर उन फ्रेम्स और आ, चीज़ों का जिक्र आ रहा है ये ग्लासेस सन ग्लासेज जो मैंशन की गई इन्फ्रा होंगी सिमिलरली बच्चों ये न्यूक्लियर रिएक्टर का इनर पार्ट है जो फ्यूजन रिएक्टर के जो इनर पार्ट्स होते हैं दे आर मेड अप ऑफ वेनेडियम वेनेडियम का अलाय इस्तेमाल किया जाता है सुपर कंडक्टिंग मैगनेट्स में भी इसी वेनेडियम को इस्तेमाल किया जाता है बच्चों विनेडियम एज ए कैटलिस्ट हमने जो मेजर टॉपिक एक जरनल सा टॉपिक पढ़ा था ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ में किसी कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं विनेडियम पेंटा यूज़ की जाती है फॉर कन्वर्जन ऑफ एस ओ टू टू एस ओ थ्री एसो थ्री जो है वो कॉन्टैक्ट प्रोसेस में सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेपरेशन में यूज़ करते हैं इसके अलावा इसी कम्पाउंड को ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल और हाइड्रोजिनेशन ऑफ Olyphans, को कहा जाता है तो उनमें अगर हाइड्रोजन ऐड की जाए तो अल्किन से हम अल्केन बना सकते हैं तो हाइड्रोजिनेशन में भी पेंट पेंटॉक्साइड को यूज किया जाता है दैट्स एट अबाउट वेनेडियम नेक्स्ट जो डिस्कशन है वो है बच्चों क्रोमियम के बारे में अगर हम सम करें तो हमने जो अभी डिस्कशन की वनेडियम के मुतालिक तो उस समरी में एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स है ये वाला पोर्शन तो आप इंट्रोडक्शन के बाद इस चीज़ को ज़रूर याद रखेंगे कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स की रेंज क्या है और उनके डिफरेंट कलर्स क्या होते हैं लाइक like हमने कलर्स जो रिसेंटली पढ़े थे उसमें आप देखेंगे कि आपको चूँकि ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स नहीं होती वैरायटी होती है वेरिएबल होती हैं तो चेंज होने की वजह से एज दी ऑक्सीडेशन स्टेट्स चेंजेस कलर आल्सो चेंजेस बच्चों इसके कुछ ना द इम्पोर्टेंट पोर्शन इज अबाउट क्रोमियम क्रोमियम को सिम्बल सी आर से रिप्रजेंट किया जाता है अटामिक नंबर इज ट्वेंटी फोर इट्स अ शाइनी मेटालिक एलिमेंट फ्रेंच कैमिस्ट ल्यूस निकोलस वैकुल ने सेवनटीन नाइनटी सेवन में इसे डिस्कवर किया था इसे क्रोमियम क्रोमा की वजह से कहा गया विच इज कलर क्रोमा मीन कलर तो इसके जो कंपाउंड्स होते हैं वो कलरफुल होते हैं इसलिए इसे क्रोमियम का नाम दिया गया अटामिक वेट 51.996 है मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट स्पेसिफिक ग्रेविटी स्पेसिफिक ग्रेविटी के साथ यूनिट्स कोई नहीं होती क्यों नहीं होती कि इसलिए कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है ये डेंसिटी ऑफ कंपाउंड डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर होती है तो चूंकि इसकी और इसकी यूनिट सेम हो जाएंगी तो वो कैंसल आउट हो जाती हैं तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इज द डेंसिटी ऑफ दैट कंपाउंड कंपेयर्ड विद द डेंसिटी ऑफ एच टू ओ एट ट्वेंटी नाइन पॉइंट फोर डिग्री सेंटीग्रेड इसको बोला जाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी जो कॉमन मिनरल्स हैं क्रोमियम के उनमें से फर्स्ट वन है क्रोमाइट यो क्रोम आयरन स्टोन सेकेंड वन है क्रोम ऑकरे एंड द थर्ड वन क्रोसाइट है इसके अलावा इसकी अक्रेंस के हवाले से एक जुमला हमारे कोर्स में शामिल है कि ये रोडेशिया ट्रांसवाल, टर्की इंडिया एंड पाकिस्तान में इसकी लार्ज है वो मौजूद हैं न इम्पॉर्टेंट थिंग इसका ताल्लुक जो है वो तमाम की तमाम ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ है इसमें से कुछ चीज़ें हम डिस्कस करते रहें कुछ का जिक्र अभी दोबारा से मैंने इसको लिस्टअप किया है तो आई वुड रिकमेंड कि आप इसे अलग से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट के तौर पर अपनी नोटबुक्स पर जरूर नोट कीजिएगा लोअर देशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल द मोर मेटालिकेक्टर मिटालिक इुड भी तो ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी कम होती है मेटालिक्रेक्टर उतना ज्यादा होता है तो so आप इसे सिंपली लिख लीजिए जो मेटालिक करेक्टर है यह इनवर्सली रिलेट करता है ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ सेकेंड पॉइंट आइनिक बॉन्ड इज मोर प्रीवेलिंग फॉर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगी तो नेचर ऑफ़ कंपाउंड वुड बी आयनिक ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा हुई तो नेचर ऑफ कंपाउंड कोवेलेंट होगी देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट कम होने का मतलब यह है कि चार्ज कम होगा लाइक प्लस वन अब प्लस वन और प्लस सिक्स को कंपेयर करो प्लस सिक्स पे फजन जरूर लगाएं हमने ये पढ़ा था कि स्मॉल साइज एंड हाईली चार्ज एटम्स टेंड टू फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स तो ये चार्ज ज्यादा हुआ ना प्लस सिक्स एज कंपेयर टू प्लस वन तो चार्ज ज़्यादा होने की वजह से जो नेचर ऑफ कंपाउंड है वो कोविलेंट होगी तो सम अप अगर करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर कम हो तो नेचर ऑफ कंपाउंड आयनिक ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा हो तो नेचर ऑफ कंपाउंड कोविलेंट दो बातें अभी तक हम बढ़ चुके हैं एक मेटालिक कैरेक्टर और दूसरा आयनिक और कोवलेंट बॉन्डिंग के हवाले से तीसरी चीज अ मेटल ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड बिकम लेस बेसिक एज दी ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस ये समझ लीजिए कि प्लस वन और प्लस सिक्स का अगर हम कंपैरिजन करें तो जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं स्पेशली फॉर ऑक्साइड्स इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट जब ज़्यादा होती है तो दे बिकम मोर एसिडिक तो प्लस सिक्स वाला एसिडिक होगा प्लस वन वाला बेसिक होगा बच्चों तो रिपीट करूँगा ऑक्सीडेशन स्टेट कम हुई तो बेसिक नेचर होगी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा हुई तो एसिडिक नेचर होगी तो तीन बातें याद रखिएगा पहली चीज है मेटालिक कैरेक्टर दूसरी चीज है आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड थर्ड थिंग इज देयर एसिडिटी आर बेसिसिटी ऑक्सीडेशन स्टेट्स अब जो क्रोमियम है उसकी अगर ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए तो प्लस सिक्स प्लस थ्री प्लस टू जो है दे आर इंपॉर्टेंट एंड मोर स्टेबल इनमें से इन तीन में से सबसे ज्यादा स्टेबल जो होती है वो प्लस थ्री होती है प्लस टू वाले कंपाउंड स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं प्लस सिक्स वे कंपाउंड स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं इनके कुछ ऑक्साइड्स और उनका बिहेवियर यहाँ पर लिखा गया है कि क्रोमियम ऑक्साइड सी में ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू होती है तो बेसिक नेचर होगी इसमें प्लस थ्री है तो एम्फोटेरिक है इसमें प्लस सिक्स है तो एसिडिक है अभी मैंने यहाँ पर जिक्र किया एक चीज़ जो इस डायग्राम में नहीं है स्टेबल में नहीं दी गई वो है इनकी नेचर ऑफ मॉर्निंग अब गैस करें तो जो फर्स्ट वन होगा प्लस टू वाला ये आइनिक होगा और जो प्लस सिक्स वाला है इट वुड बी कोवलेंट क्यों होगा कोवलेंट जी इसलिए कि इस पर चार्ज ज्यादा है रूल के मुताबिक इसके नेचर ऑफ कंपाउंड जो होंगे वो कोवलेंट होंगे कुछ और कंपाउंड्स का यहां पर हवाला है कि प्लस सिक्स अब कंपाउंड्स की समरी करते हैं कि प्लस सिक्स वाले कौन से प्लस थ्री वाले कौन से और प्लस टू वाले कौन कौन से हैं प्लस थ्री में क्रोमियम ऑक्साइड पोटाशियम डाइक्रोमेट और पोटाशियम क्रोमेट आते हैं प्लस थ्री वाले कंपाउंड्स को क्रोमिक कंपाउंड्स कहा जाता है एक्सक्यूज़ मी फॉर स्पेलिंग्स दिस वुड बी क्रोमिक सी एच आर ओ एम आई सी क्रोमिक कंपाउंड्स, क्रोमिक क्लोराइड क्रोमिक सल्फेट वगैरह का यहाँ पर जिक्र आया जी इसके अलावा प्लस टू वाले कंपाउंड्स को क्रोमस कहते हैं और ये अनस्टेबल होते हैं ये कन्वर्ट हो जाते हैं चेंज हो जाते हैं शिफ्ट हो जाते हैं टूवर्ड्स प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट अब इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है प्लस वन प्लस फोर और प्लस फाइव ये वाली जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है एक्सक्यूज़ मी मैं रिपीट करूँगा दैट इज़ प्लस वन प्लस फोर प्लस फाइव ये ऑक्सीडेशन स्टेट होगी अनस्टेबल जबकि प्लस टू प्लस थ्री और प्लस सिक्स होते हैं स्टेबल

The plus six oxidation state, so this is not an example of a redox reaction. We see here, in fact, a simple example of a dynamic equilibrium. We need, therefore, to apply Chatelier's principle, which states that when a stress is applied to a chemical system at equilibrium, the equilibrium will shift to relieve the stress. So, if you add alkali, in other words hydroxide ions, they will react with and remove the hydrogen ions on the left. The equilibrium will then shift from right to left in favor of the yellow chromate solution. And then, conversely, let's consider adding an acid to this solution at equilibrium and appearing yellow at the moment. If we add an acid, we're adding hydrogen ions, so the equilibrium will then shift from left to right as that uses hydrogen ions up, and we should see the solution beginning to form the orange dichromate ions instead. And there it goes. And this can be repeated over and over again. And if you want a visualization down at about 100 nanometers, this is what the dichromate ion looks like. Can you distinguish the orange chromium spheres from the red oxygen spheres? The large green sphere represents the potassium ion, of course, and the little red V shapes represent the polar water molecules, of course. So that's potassium dichromate solution. And again, down at about 100 nanometers, this is what the chromium ions would look like in solution see the CrO4 2- ions, the green potassium ion, and the polar water molecules. Chromate solution, which appears yellow in colour. By adding acid, we can make it go from yellow to orange. By adding alkali and removing the hydrogen ions, we can make it go from orange back to yellow, and to the chromate ion solution. So back and forth from chromate to dichromate. A good

और पोटाशियम डाइक्रोमेट दिस इज़ पोटाशियम क्रोमेट एंड दिस इज पोटाशियम डाइक्रोमेट ऑरेंज कलर का होता है अब एक एसिडिक मीडियम में काम करता है और एक जो है वो बेसिक मीडियम में काम करता है इनमें से जो हमारे पास के टू सी आर टू ओ सेवन है विच इज़ पोटाशियम डाइक्रोमेट, तो पोटाशियम डाइक्रोमेट जो है ये एसिडिक मीडियम में काम करता है यानी कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आइन अगर आप सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आइन ऐड करते हो एक ऐसा सोलूशन है आपने दो कंपाउंड्स लेके एक टेस्ट ट्यूब में ये सॉल्यूशन बना लिया सपोज एक्सक्यूज़ मी फॉर डायग्राम सॉल्यूशन बनाया आपने अब ये येलोश ऑरेंज कलर का हमारे पास एक सोल्यूशन होगा इसमें जब आप एसिड डालते हो तो उसका कलर ऑरेंज हो जाएगा अगर कलर ऑरेंज होता है तो उसका मतलब क्या होगा किसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट हो गए टूवर्ड्स तो पोटाशियम डाइक्रोमेट और अगर आप बेस डालते हैं बेस ऐड करते हैं तो फिर ये शिफ्ट हो जाएगा टूवर्ड्स तो येलो कलर जिसका मतलब ये होगा कि पोटाशियम क्रोमेट बन गया मुझे हमारे पास ओके okay. नेक्स्ट जो है इसी का सब टॉपिक जो है वो रिडक्शन ऑफ An पढ़ा था कि एच और एल जो होते हैं दे आर यूज टू प्रोड्यूसेंट हाइड्रोजन इन्हें रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है चाहे जिंक को आप H2SO4 के साथ यूज करें तो तब भी ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करेगा वट दे आर गिविंग दे आर गिविंग एस हाइड्रोजन अब ये जो फोर्टीन हाइड्रोजन है इन सेवन ऑक्सीजन के साथ मिलकर सेवन एच बना देती है यानी वट देव डन दे रिमूवड ऑक्सीजन इन्होंने ऑक्सीजन जो है वो क्रोमियम के साथ सीआर टू ओ सेवन में जो ऑक्सीजन थी इसे रिमूव कर दिया और यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट थी प्लस सिक्स और यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट है प्लस थ्री तो ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस थ्री प्लस सिक्स से प्लस थ्री जब होती है तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कम हुई जब ऑक्सीडेशन स्टेट कम हुई है तो ऑब्वियसली इसकी रिडक्शन हुई हमने ये डेफिनेशन अभी रिसेंटली पढ़ी थी कि ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो तो रिडक्शन होती, हो, तो होती है ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा हो तो ऑक्सीडेशन होती है इस एक रिएक्शन में क्रोमियम अब ये ये वाला आइन्स इनके साथ अगर जिंक मेटल का रिएक्शन कर दिया जाए तो अब देखिए प्लस थ्री से ये दोबारा प्लस टू पे चला गया यानी और फर्दर रिडक्शन हुई स्टार्ट कहाँ से हुआ था प्लस सिक्स फिर क्या हुआ प्लस थ्री अब क्या हुआ प्लस टू तो ऑक्सीडेशन चेंज ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो चेंज हो रही है जो कि इंडिकेट कर रही है कि ये रिडक्शन है पोटाशियम डाइक्रोमेट को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक स्ट्रॉग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं आपको यकीन वो रिएक्शन याद होगा कि जिसमें मैं बार बार लिखता रहा कि अल्केन्स की ऑक्सीडेशन करने पर अल्कोहल्स बनते हैं अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करने पर अल्डीहाइड और कीटोन्स बनती हैं उनकी ऑक्सीडेशन करने पर अल्डीहाइड की ऑक्सीडेशन करने पर कार्बॉक्सलिक एसिड बनते हैं तो उस केस में जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ किया गया वो पोटाशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और ये नेसेंट ऑक्सीजन हमें दे रहा है ये नेसेंट ऑक्सीजन जो है की रिडक्शन ऑक्सीडेशन करेगी और ये अल्कोहल से कीटोन बन गया एक और रिएक्शन जो हमारे कोर्स में शामिल है वो प्राइमरी अल्कोहल का है कि प्राइमरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन करने पर अल्डीहाइड्स बनती हैं और अल्डीहाइड की ऑक्सीडेशन करने पर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनते हैं सो दिस वाज अबाउट ऑक्सीडेशन जो कि हम ऑलरेडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बार बार डिस्कस कर चुके हैं तो इससे सिर्फ एक दफ़ा गो थ्रू हुए हैं बच्चे तो एक टॉपिक जो इसका सब टॉपिक है वो आपकी असाइनमेंट है कि पोटाशियम डाइक्रोमेट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन टाइट्रेशंस पेज 65 पे है तो आप तमाम लोग अलग अलग से उसका आंसर जो है वो शेयर करेंगे मेरे साथ कि पोटाशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर टाइट्रेशंस में कैसे यूज़ होता है दैट्स इट फॉर द डे थैंक यू सो मच